विधानसभा चुनाव के रण में बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव जोर जारी है। हर एक दिन जनसभाओं और परिवर्तन यात्राओं की हवा चल रही है। मकसद साफ है, मिशन रिपीट सरकार या फिर परिवर्तन की बयार चलाकर सत्ता में वापसी। हालांकि केवल कयास से विधानसभा की राहें नहीं बनती, इसके लिए चुनावी रणनीति पर मंथन चर्चा जरूरी है। और इससे पहले जयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर रही सियासी गणित को समझना होगा। जयपुर शहर की सांगानेर विधानसभा और सिविल लाइन सीट की बात करें तो ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। अभी सांगानेर सीट से बीजेपी के अशोक लाहौटी विधायक हैं। शहरी सीट पर लाहौटी 2018 में सर्वाधिक मार्जिन से कांग्रेस को हराकर जीते। इसके उलट सिविल लाइन सीट से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास दूसरी बार विधायक बने और बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी को हराया। सीटों का गणित और समीकरण समझे तो बीजेपी का गढ़ रही सांगानेर विधानसभा सीट 2018 में सर्वाधिक मार्जिन वोट से जीते अशोक लाहौटी, कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 35,405 वोटों से हराया। लाहौटी को कुल 1,07,947 वोट मिले। पुष्पेंद्र भारद्वाज को मिले 72,542 वोट। तीसरे स्थान पर रहे बीवीपी के घनश्याम तिवाड़ी, तब घनश्याम तिवाड़ी को मिले थे 17,371 वोट। अब तिवाड़ी बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। 2018 के चुनाव से पहले तिवाड़ी ने छोड़ी थी बीजेपी और नई पार्टी बीवीपी बनाकर चुनाव लड़ा था और तिवाड़ी को मिले थे केवल 8% वोट। कम वोट मिलने से उनकी जमानत भी जब्त हुई। 2008-2013 में घनश्याम तिवाड़ी दो बार जीते। 2003 में बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह चुनाव जीते। 2003 से अब तक यहां से लगातार बीजेपी जीती है। यहां से दूसरी बार एमएलए बने प्रताप सिंह खाचरियावास। बीजेपी के अरुण चतुर्वेदी को 18,078 वोटों से हराया। चुनाव में प्रताप सिंह को 87,937 वोट मिले। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को 69,859 वोट मिले। 2013 में अरुण सिंह और प्रताप सिंह आमने सामने थे, तब चतुर्वेदी ने प्रताप सिंह को 11,129 वोट से हराया। 2008 में प्रताप सिंह के सामने अशोक लाहौटी रहे और प्रताप सिंह ने लाहौटी को 6,961 वोटों से हराया। सियासी समीकरणों की चर्चा में हवा महल और झोटवाड़ा सीट भी खास है। हवा महल सीट एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी के खाते में जाती रही। ऐसा यहां 1998 से हो रहा है। अभी यहां से कांग्रेस के महेश जोशी विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। 2018 में जोशी ने बीजेपी के सुरेंद्र पारिक को 9,282 वोटों से हराया। तब जोशी को 85,474 वोट मिले थे और पारिक की झोली में 76,192 वोट आए थे। तो 2018 में झोटवाड़ा सीट पर लालचंद कटारिया ने परचम लहराया। अभी कटारिया कैबिनेट मंत्री हैं। 1998 से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की जीत हो रही है। कांग्रेस के महेश जोशी ने जीता 2018 का चुनाव। बीजेपी के सुरेंद्र पारिक को 9,282 वोटों से हराया। महेश जोशी को मिले थे 85,474 वोट। बीजेपी के सुरेंद्र पारिक को मिले थे 76,192 वोट। 2013 के चुनावों में बीजेपी के सुरेंद्र पारिक जीते। पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा को 12,715 वोटों से हराया। 2008 में कांग्रेस के ब्रजकिशोर शर्मा 580 वोटों से जीते। 2018 में कांग्रेस के लालचंद कटारिया जीते। बीजेपी के राजपाल सिंह शेखावत को 10,747 वोटों से हराया। कटारिया को मिले थे 1,27,185 वोट। जयपुर ग्रामीण सीट से
कटारिया सांसद रहे। 2008 और 2013 में राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा एमएलए रहे। 2003 और 1998 में कांग्रेस के बाबूलाल नागर दो बार झोटवाड़ा के एमएलए बने। इधर राजधानी के ग्रेटर नगर निगम की मालवीय नगर विधानसभा सीट बीते तीन चुनावों से बीजेपी के खाते में है और कांग्रेस सेंध नहीं लगा सकी। अभी बीजेपी के कालीचरण सराफ विधायक हैं। 2018 में सराफ 1704 वोट से जीते और कांग्रेस की डॉक्टर अर्चना शर्मा को हराया। इससे पहले भी सराफ ने अर्चना को लगातार दो बार हराया। हालांकि 2003 और 1998 में ये सीट कांग्रेस की झोली में रही और इसके साथ ही बगरू सीट विधानसभा सीट जयपुर शहर के बाहरी क्षेत्र को कवर करती है, लेकिन बगरू कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी की परंपरागत सीट नहीं रही है। 2008, 2013 और 2018 में लगातार जीती बीजेपी। यहां से कालीचरण सराफ विधायक चुने गए। 2008 में 17,598, 2013 में 48,718 वोट मिले। 2018 के चुनावों में सराफ 1,704 वोटों से चुनाव जीते। सराफ को 70,221, कांग्रेस की डॉक्टर अर्चना शर्मा को 68,517 वोट मिले। सराफ ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को लगातार दो बार चुनाव हराया। इससे पहले सराफ ने राजीव अरोड़ा को चुनाव हराया था। 1998 और 2003 में यहां से कांग्रेस के रामचंद्र जीते। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी तो कभी निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत। 2018 के चुनावों में कांग्रेस की गंगा देवी जीती। बीजेपी के कैलाश वर्मा को 5,343 वोटों से हराया। गंगा देवी को 96,635 और कैलाश को 91,292 वोट मिले। 2013 में मोदी लहर में पहली बार जीते बीजेपी के कैलाश वर्मा। कांग्रेस के डॉक्टर प्रहलाद रघु को 46,356 वोट से हराया। राज्य सरकार में वर्मा संसदीय सचिव भी रहे। 2008 में कांग्रेस की गंगा देवी ने बगरू से चुनाव जीता। जयपुर की 8 सीटों में शामिल परकोटा इलाके की किशनपोल और विद्याधर नगर सीट पर भी दोनों मुख्य दलों की निगाहें टिकी रही हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि दोनों सीटें भी बीजेपी की गढ़ रही हैं। बीजेपी का गढ़ रही परकोटे की किशनपोल सीट। 2018 के चुनावों में कांग्रेस के अमीन कागजी जीते। बीजेपी के मोहनलाल गुप्ता को 8,770 वोटों से हराया। अमीन कागजी को 71,189 वोट मिले थे। पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता को 62,419 वोट मिले। यहां 1990 के बाद 7 बार विधानसभा चुनाव हुए। 7 चुनावों में से बीजेपी 5 बार जीती। 1998 में निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल जीते। 20 साल से बीजेपी का गढ़ विद्याधर नगर सीट है। 2018 में नरपत सिंह राजवी चुनाव जीते। कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल 31,232 वोटों से हारे। 2018 में राजवी को 95,599 वोट मिले तो वहीं सीताराम अग्रवाल को 64,367 वोट मिले। 2003 में बीजेपी के राम किशोर मीणा 20,571 वोटों से जीते। 2008, 2013, 2018 में नरपत सिंह राजवी 3 बार जीते। राजवी पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। बहरहाल 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस विधायक हैं और 2 सीट बीजेपी के पास है। 2023 का रण इसलिए भी अहम रहेगा, कांग्रेस अपनी 6 सीटों पर जीत बरकरार रखे और बीजेपी की दोनों सीटों पर सेंध मारे और उनको भी अपने नाम करें, तो इसके उलट बीजेपी की कोशिश अपनी 2 सीटें बचाते हुए कांग्रेस की झोली में 6 सीटें जीतकर यहां बदलाव लाने की कोशिश में रहेगी। फिलहाल कौन किसे मात देता है ये तो नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।